ये दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जैसा कि देख सकते हैं जो गाड़ी है महिंद्रा की बलेरो, क्या नाम इसका, बलेरो पिकअप। तो इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी हम लोग ने इसको डायग्नोस वगैरह किया था, स्कैनिंग किया था, तो इसमें एक फॉल्ट कोड आ रहा है। गाड़ी स्टार्ट होती है और बंद हो जाती है, मतलब दो तीन बार चाबी बंद करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट होती बंद हो जाती है, स्टार्ट होती बंद होती है। तो मैंने अभी इसको स्कैनिंग किया था तो इसमें जो है फॉल्ट कोड ये इंजेक्टर का शो कर रहा है। ये जो चार नंबर इंजेक्टर है इसका प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है चार नंबर, बट इसके इसमें जो फॉल्ट कोड आ रहा है इसके अंदर और भी इंजेक्टर का हो सकता है, बट अभी हम लोग ने एक एक सॉकेट निकाला तो इसका चार नंबर का फॉल्ट दिखा रहा है। और जो इसमें एरर कोड है आपको मैं दिखाता हूँ, ये इसके अंदर जो एरर कोड शो कर रहा था ये देख सकते हो आप, इंजेक्टर बैंक शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड दिखा रहा था। तो इस केस में ECM का भी फॉल्ट रहता है, मतलब ECM का भी इशू रहता है। अभी हम लोग ने इसका इंजेक्टर फिटिंग कर लिया है और इसकी चारों सॉकेट निकाल के इसका एयर निकालते, निकाल दिया ना चारों निकाल दिया। ठीक है मैं सेल्फ मारता हूँ, एयर निकाल दिया। लाया किधर है? वो लगा दिए, दोनों लगाया नहीं, एक एक किधर है संभाल ना, वो क्या जो गाड़ी का पुराना मार्किंग है ना उस पर, कौन सा था जो गाड़ी से निकाले, गाड़ी वाला ये है, ये गाड़ी का है। तो भी हम लोग ने इसका एयर निकाल लिया। जब भी आप डेल्फी का इंजेक्टर फिटिंग करते हो तो उसकी जो सॉकेट्स है, मतलब वायर जो है इंजेक्टर का, वो कपलर निकाल के इसका एयर निकाल लेने का। चलो हम लोग ने इसका एयर वगैरह निकाल लिया है तो इंजेक्टर कोडिंग करते हैं, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसका इग्निशन ऑन करना है, मैंने इसका इग्निशन ऑलरेडी ऑन किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो इसका इग्निशन ऑन कर दिया है। उसके बाद इग्निशन ऑन है इसका, यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्स टूल के ऊपर डायग्नोसिस, फिर उसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे हम लोग, ठीक है लगा रहे हैं दो के महिंद्रा डायग्नोसिस। इसके बाद फिर यहाँ से डायग्नोस्टिक, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे बोलेरो, आपकी जो मॉडल है वो सिलेक्ट कर सकते हो, जो गाड़ी है ZLX है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे सिस्टम सिलेक्शन। इसके बाद क्या नाम है इसका, जो EMS है इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रबल कोड, तो हेल्ड में सारा, क्योंकि इसका हम लोग ने निकाला था इंजेक्टर वगैरह, इसकी वजह से एक बार कर देता हूँ मैं फॉल्ट क्लियर। इसके बाद यहाँ से स्पेशल फंक्शन, और ये गाड़ी की स्पीड लिमिट है, जो क्या बोलते हैं इसको, स्पीड गवर्नर, स्पीड लिमिट, यहाँ से आप कर सकते हो, ये काम नहीं कर रहा है, मतलब कोई कोई करता है कोई कोई नहीं करता है, बट इसमें कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। कभी आप इससे ट्राई करेंगे लॉन्च वगैरह से, इससे तो बहुत बार ऐसा होता है, अगर हम लोग जिसका स्पीड गवर्नर स्पीड लिमिट कम हो जाता है, अगर कभी आदमी ट्राई करता है, बट बढ़ता नहीं है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हो राइट इको वैल्यूज लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे, ये चारों के इसके इंजेक्टर के है, और हम लोग चार नंबर चेंज कर रहे हैं तो चार नंबर का ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है, ये वाला पहले लगा हुआ था इसमें ZYZ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इनपुट कर देंगे। ये इसका पुराना था, देख सकते हो नंबर जो है YZ वाला पुराना था इसका, तो हमने नया नंबर इनपुट कर दिया यहाँ पे, YY नया नंबर जो था वो इनपुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है देख सकते हो सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पे YY आ गया। पहले यहाँ पे जो नंबर था आपने देखा होगा वीडियो में YZ था, जो इसमें शो कर रहा है YZ, थोड़ा क्लियर, ठीक है। ये इसका पुराना, हम लोग ने एक चेंज किया, शॉर्ट कर रहा था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, मतलब स्टार्ट होकर बंद हो रही थी। शो करता हूँ बैक, रेड फॉल्ट कोड, कोई फॉल्ट नहीं है, एक बार गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। तो देख सकते हो फाइनली गाड़ी जो है मिसिंग विसिंग नहीं है, अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे 9% आ रहा है, स्टार्ट है, और सुनिश्चित है कुछ मिसिंग वगैरह नहीं है इसके अंदर। थैंक यू।